और चलिए अब हम आपको अजमेर के नसीराबाद विधानसभा सीट ले चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ क्या क्या समस्याएं हैं, किन किन समस्याओं का समाधान हुआ है और विधायक रामस्वरूप लांबा के पास आने वाले दिनों में विकास के लिए प्लानिंग क्या है। लेकिन सबसे पहले एक नजर नसीराबाद विधानसभा क्षेत्र के बारे में। नसीराबाद विधानसभा क्षेत्र भले ही ख्वाजा की नगरी अजमेर में आता हो, लेकिन सामरिक एवं ऐतिहासिक तौर पर नसीराबाद विधानसभा क्षेत्र अंग्रेजी शासन काल से ही अपना अलग वजूद बनाए हुए है। नसीराबाद की स्थापना आज से लगभग 200 साल पूर्व 20 नवंबर 1818 को नसीरुद्दौला ने की थी और उसी के नाम पर इसका नाम नसीराबाद पड़ा। अजमेर मेरवाड़ा राज्य पर अंग्रेजों के आक्रमण से मुकाबले के लिए नसीराबाद में सैन्य छावनी की स्थापना की गई थी, जो यहां आज भी मौजूद है। जाट और मुस्लिम बहुल इस सीट पर इस जाति के वोटर हमेशा से निर्णायक भूमिका में रहते हैं। पारंपरिक तौर पर इस सीट पर ज्यादातर कांग्रेस का दबदबा भी रहा है, लेकिन 2013 में बीजेपी के सांवरलाल जाट ने पहली बार इस सीट पर कमल खिलाया। लेकिन अजमेर लोकसभा सीट से सांवरलाल जाट के जीत के बाद उपचुनाव में इस सीट पर कांग्रेस ने फिर से कब्जा कर लिया। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सांवरलाल जाट के बेटे रामस्वरूप लांबा को मैदान में उतार दिया। रामस्वरूप लांबा ने कांग्रेस उम्मीदवार राम नारायण गुर्जर को 16,000 से ज्यादा मतों से हराकर इस सीट पर कब्जा जमा लिया। सांवरलाल जाट की विरासत को आगे बढ़ाते हुए बीजेपी विधायक राम स्वरूप लांबा बेहद सादगी से जीवन जीते हैं। जनसंपर्क अभियान के जरिए लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। ग्रामीणों की हर समस्या के समाधान के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। और अब हम आपको दिखाते हैं कि पिछले विधानसभा चुनाव में नसीराबाद के विधायक रामस्वरूप लांबा ने लोगों से क्या क्या वादे किए थे और उन वादों को पूरा करने के लिए विधायक जी क्या कर रहे हैं। नसीराबाद विधायक रामस्वरूप लांबा ने अपने एक साल के कार्यकाल में विकास के तमाम दावे किए हैं। विधायक का दावा है कि उन्होंने छोटे से कार्यकाल में सरकार से क्षेत्र के विकास के लिए कई योजनाओं को स्वीकृत करवाया। नसीराबाद को नगर पालिका की सौगात मिली है। क्षेत्र में 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का विकास का काम करवाया गया। विधायक का कहना है कि क्षेत्र में अभी भी विकास के कई काम करवाने हैं, लेकिन बजट की कमी को लेकर विधायक कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं। योजनाओं के लिए स्वीकृति के लिए राज्य सरकार को भेजा है और जो बजट है उसमें भी स्वीकृति के लिए लगभग जो है 100% के लगभग उसको भेज दिया है वहाँ पर स्वीकृति के लिए। उसकी स्वीकृतियाँ कई जारी भी हो गई, कई अभी अटकी हुई है, तो ये जैसे होंगी उस हिसाब से कामकाज को आगे प्रगति मिलेगी। रामस्वरूप जी भी गांव-गांव आते हैं, घूमते हैं। नसीराबाद छावनी क्षेत्र होने के कारण नसीराबाद की बोर्ड की बैठकों में भाग लेते हैं। नसीराबाद सिविल क्षेत्र के जुड़े हुए मुद्दों पे समाधान करने की कोशिश करते हैं। विधायक के प्रयास से ढाणी ढाणी में लोगों के घरों में बिजली पहुंचाने का दावा किया गया है। फसलों की सिंचाई के लिए किसानों को समुचित बिजली मिले, इसके लिए कृषि कनेक्शन देने की लगातार कोशिशें कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि स्थानीय विधायक का कामकाज संतोषजनक है। ग्रामीणों की हर समस्या के समाधान के लिए सदैव तत्पर रहते। मैं जहाँ खड़ा हूँ इसके बगल के अंदर ही सार्वजनिक शौचालय है, उसका उद्घाटन भी उन्होंने ही किया है और उनके कार्यकाल में ये बना है। शमशान की तरफ भी देख, शमशान जो नसीराबाद का शमशान स्थल है वहाँ पे भी बहुत से विकास कार्य हैं। वहाँ टीन शेड वगैरह लगे हैं, वो सारे रामस्वरूप जी लांबा के कार्यकाल में लगे हैं। नसीराबाद पहले डार्क जोन में आता था, लेकिन अब क्षेत्र के लोगों की पेयजल समस्या काफी हद तक दूर हो गई है। पानी की नई पाइपलाइन बिछाई गई, बीसलपुर का पानी आने से लोगों को अब पानी मिलने लगा है। इसके अलावा सड़क, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं में भी काफी विकास हुआ है। काम अच्छे हुए हैं काम, और हमारे लिए बहुत बढ़िया नेता है वैसे। अभी इन्होंने हॉस्पिटल के अंदर ध्यान दिया, उन्होंने हॉस्पिटल में डॉक्टर्स नहीं है, वहाँ पे बहुत कंप्लेंट्स रहती है, उस पर उन्होंने विशेष ध्यान दिया है। विधायक विकास के भले ही तमाम दावे करते हों, लेकिन छावनी परिषद की वजह से लोगों को अचल संपत्तियों पर ऋण सुविधा नहीं मिलती है। इस वजह से व्यापार में कमी आई है। क्षेत्र में आवारा पशु, साफ सफाई का मुद्दा भी अब भी हावी है। रेलवे फाटक पर ओवर ब्रिज की मांग अब तक पूरी नहीं हो पाई है।
कुछ लोगों का कहना है कि उम्मीद के मुताबिक नसीराबाद में उतना विकास नहीं हो पाया। पानी की टंकी रामनारायण जी पहले ही बनवा दी, अभी तो उनको बोल भी रहे हैं, काम शुरू हुआ नहीं उनका। विधायक का काम ऐसा है सर, अभी तक तो घूमने फिरने में लगे हुए हैं और जनसंपर्क भी नहीं हुआ, बहुत कम हो रहा है, और हमारे पानी की समस्या है वो भी पूरी नहीं हो रही है अभी तक। बीजेपी विधायक राम स्वरूप लाबा का दावा है कि उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए रोड मैप तैयार किए हैं, कई योजनाओं की स्वीकृति भी उन्हें नहीं मिल पाई है। हालांकि बिजली, पानी और इस जैसी तमाम और समस्याओं में काफी हद तक कमी आई है, लेकिन रोजगार और सड़क जैसी समस्या को जल्द दूर करना होगा। मनवीर, जी मीडिया, अजमेर। नसीराबाद के विधायक का कहना है कि छोटे से कार्यकाल में तमाम समस्याओं को उन्होंने दूर किया है, विकास को लेकर वो हमेशा से सक्रिय हैं। हालांकि विधायक का ये कहना है कि कई योजनाएं अब भी स्वीकृति के लिए फाइलों में ही अटकी पड़ी है। जी मीडिया संवाददाता ने विधायक रामस्वरूप लांबा से खास बातचीत की। आज बात नसीराबाद विधानसभा की। राजस्थान की एक ऐसी विधानसभा जहां पर भारतीय जनता पार्टी को अपना विधायक देखने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। रामस्वरूप लांबा को मिला है और अपने पिता की छवि के अनुरूप आप भी जमीन से जुड़े हुए एक नेता हैं। रामस्वरूप जी, सबसे पहले तो आपसे जो सवाल मैं करना चाहूंगा वो यही है कि नसीराबाद के विकास के लिए इस गुजरे एक साल में क्या क्या काम हो चुके हैं? नसीराबाद के विकास के लिए अनेक योजनाओं के लिए स्वीकृति के लिए राज्य सरकार को भेजा है और जो बजट है उसमें भी स्वीकृति के लिए लगभग जो है 100% के लगभग उसको भेज दिया है वहाँ पर स्वीकृति के लिए। उसकी स्वीकृतियाँ कई जारी भी हो गई, कई अभी अटकी हुई हैं, तो ये जैसे होंगी उस हिसाब से कामकाज को आगे प्रगति मिलेगी। नसीराबाद के विकास का रोड मैप कैसे तैयार करते हैं आप? क्योंकि जब तक जमीनी स्तर पर लोगों से संवाद नहीं हो, उनकी ज़रूरतों को नहीं जाना जाए, शायद उनको पूरा करना नामुमकिन होता है। हाँ, जिस हिसाब से जनता का जो है वो जरूरत के हिसाब से, कई जगह जहाँ पर रोडें नहीं है रोडों की जरूरत है, कई जगह पानी की आवश्यकता है तो पानी की लाइनें डालने की जरूरत है, तो सब तरह से जो जो आवश्यकता के अनुसार जो उन्होंने प्राथमिकता के आधार पर बताई उस हिसाब से उनकी स्वीकृतियाँ भी जारी करवाई, कुछ राज्य सरकार के स्तर पर भी भेजी है, वो भी काम होंगे, और बिजली से संबंधित लगभग ढाणियों को भी अपनी पूर्ववर्ती सरकार में दीनदयाल योजना के माध्यम से भी जोड़ चुके हैं, और भी कोई होंगी जैसे कई जगह नई जो आवास योजनाएं बन जाती हैं तो उस हिसाब से नई अगर कोई आवश्यकता होगी तो उस हिसाब से भी बिजली से जोड़ने की पूरा काम कर प्रयास करेंगे। अच्छा, आज जब हम आपके विधानसभा क्षेत्र में थे तो लगभग सभी लोगों का ये मानना था कि वो आप में साहब की छवि यानी स्वर्गीय सांवरलाल जाट जी की छवि को देखते हैं। जाहिर तौर पर बहुत सारे काम उनके जीवन काल में ऐसे थे जो वो पूरा करना चाहते थे, शायद नसीराबाद के लिए वो नहीं कर पाए, तो उन तमाम कामों को लेकर के क्या योजना है? नसीराबाद में जिस हिसाब से उन्होंने काम किया नसीराबाद विधानसभा में कार्यकाल के दौरान, सबसे पहले बिसलपुर योजना से जो अपने इलाका छूटा हुआ है उसको जोड़ा, पिसांगण जो डार्क जोन में आता है किसानों की मेन समस्या वही है, तो उससे उनको कृषि कनेक्शन नहीं मिल पाते हैं तो उसको भी हटवाने का पूरा प्रयास करेंगे, और जिससे कृषि के जो मेन किसानों की जो आय का साधन है कृषि, उस पर वो जोर देवें, उसका काम हो, क्योंकि आज कनेक्शन नहीं है तो उनकी बहुत अधिक महंगाई से वो कृषि कार्य करते हैं, कोई मोटर लगाता है कोई इंजन लगाते हैं तो उसमें बहुत अधिक एक्सपेंसिव जो होती है वो कृषि होती है, तो उनका बाजार से मूल्य नहीं मिल पाता है तो उनके फायदे का सौदा नहीं है, तो ये इस चीज़ को मेन फोकस यही रहेगा कि किसानों के लिए काम करें और अपना नसीराबाद जो शहर है उसको नगरपालिका स्वीकृत माननीय सांवरलाल जी के प्रयासों से और हमारी पूर्व मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से हुए तो उसका भी एरिया बढ़वाने का प्रयास करेंगे। अभी क्या उसमें सिर्फ नगरपालिका क्षेत्र में एक ही वार्ड हाउसिंग बोर्ड को जोड़ चुके हैं तो मेन जो शहर है उसको नहीं जोड़ रही है सरकार, तो उसके लिए प्रयास करेंगे। अच्छा, प्रदेश के अंदर क्योंकि कांग्रेस की सरकार है, आप भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, काम करने में कितनी कठिनाई आ रही है? काम करने में कठिनाई तो ही है, सरकार की ओर से कोई फंडिंग की व्यवस्था नहीं है, कोई काम जैसे कोई योजना चल रही है तो उसको बीच में इन्होंने काम को डंप कर रखा है, कई जगह जैसे रोडें डैमेज हो चुकी हैं तो उनकी कोई मेंटेनेंस के काम अभी टाइम समय पर नहीं हो पा रहे हैं, तो इससे कई तकलीफें लोगों की बढ़ रही है, हॉस्पिटल का जो मैनेजमेंट है इसकी
अब आप सब जगह देख रहे हैं तो ये भी मैनेजमेंट की व्यवस्था भी कमजोर है, तो इससे आज मरीज भी परेशान होते हैं, आम जनता को जो तकलीफें होती है वो हो ही रही है, और बिजली के जो कनेक्शन है वो नहीं हो पा रहे हैं, तो कई चीजों को रोक रखा है। एक साल का कार्यकाल लगभग आपका पूर्ण हो चुका है, इस एक साल में अगर 10 में से आपको खुद को अपने आप को नंबर देने हो तो कितने नंबर देंगे, कितना संतुष्ट हैं आप अपने काम से? मैं नंबर दे पाने के लिए सक्षम नहीं हूं, पर आम जनता की जो राय है उससे आप ले सकते हैं, आम जनता की राय के हिसाब से आप खुद बना सकते हैं भैया कितना लोगों से जुड़ाव रखा है और कितना लोगों के लिए काम करने के प्रयास किए हैं, तो नंबर की जरूरत है नहीं, आम जनता का जो संवाद है वही हमारे लिए काफ़ी होता है, और आम जनता की जो समस्याएं आपके थ्रू भी मिले तो हम उसको निराकरण करने का पूरा प्रयास करेंगे, और जो भी आम जनता की आवश्यकता जो बुनियादी आवश्यकता है उसको पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो ये थे नसीराबाद के विधायक रामस्वरूप लांबा, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि गाँवों का विकास, नसीराबाद का विकास जनता की सोच के अनुरूप किया जाए, लगातार जनसंपर्क इनका रहता है और जनता की मांग के अनुरूप ही विकास को गति देने में आपकी भी रुचि साफ तौर पर दिखाई देती है। कैमरामैन विवेक शर्मा के साथ मनवीर सिंह, जी मीडिया, नसीराबाद।